दोस्तों ब्रह्मांड जिसमें हजारों रहस्य दफन हैं, जिनके बारे में जानने के लिए मानव जाति हमेशा से ही उत्सुक रही है। 20 जुलाई 1969 को वो दिन था जिस दिन मानव जाति ने सबसे बड़ी छलांग लगाई और चांद पर पहला कदम रखा। आखिर वह दिन मानव जाति के लिए इतना खास होगा जब हम इंसान मंगल ग्रह पर सबसे पहले कदम रखेंगे। अब आगे वह कौन सा एस्ट्रोनॉट होगा जो मंगल ग्रह पर सबसे पहले कदम रखेगा, यह एक कल्पना का विषय है। दोस्तों सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध है और सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट शुक्र है। वैज्ञानिकों ने इन दोनों ग्रहों की स्टडी करने के लिए एक ऐसे अंतरिक्ष यान को तैयार किया जिसे एक साथ दो ग्रहों के बारे में स्टडी करना था। इस मिशन में हम बुध ग्रह पर पहली बार जा रहे थे। आखिर क्या था सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह पर, आखिर वहां की दुनिया कैसी थी? इस सवाल के जवाब की उत्सुकता ने वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए दोस्तों आज मेरिनर 10 के साथ शुक्र ग्रह से होते हुए बुध ग्रह की यात्रा करते हैं। आखिर ऐसा मेरिनर 10 ने शुक्र ग्रह और बुध ग्रह पर क्या देखा था? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल आपको तथ्य के साथ ब्रह्मांड की यात्रा करवाता है, तो फिर एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों मेरिनर 10 जिसे 1973 में केप केनेवरल फ्लोरिडा में नासा द्वारा सौरमंडल के अंदरूनी ग्रहों से होकर उड़ान भरने के लिए लॉन्च किया गया था। मेरिनर 10 एक ऐसा अंतरिक्ष यान था जिसे मुख्य रूप से बुध ग्रह का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह एक ऐसा अवसर था जो 30 सालों तक वापस नहीं होना था। यह सिंगल मिशन के दौरान दो ग्रहों के बारे में पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष यान भी था जिसे गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस मिशन के दौरान इस अंतरिक्ष यान के रवैये को नियंत्रण रखने वाले एंटीने में कुछ मैकेनिकल समस्या होने के कारण खराबी शामिल थी, लेकिन फिर भी नासा ने इस अंतरिक्ष यान के साथ बहुत सारा संघर्ष करके बहुत सारे वैज्ञानिक डाटा प्राप्त किए। कुछ मैकेनिकल सुधार के बाद अब इस मेरिनर 10 को शुरू में शुक्र ग्रह पर उड़ान भरने के लिए सेट किया गया था और यह अभ्यास जो अब अंतरिक्ष नेविगेशन का एक मानक हिस्सा था, जहां पर पहले गुरुत्वाकर्षण सहायता को पूरा करेगा। मेरिनर 10 के पास सही गति और प्रक्षेपवक्र था जो सभी तरह से इसे बुध पर ले जाएगा। इसे सूर्य के चारों ओर एक ऐसी कक्षा में रखा गया जो सौरमंडल के असंख्य ग्रहों के बीच उड़ान भरेगा। लेकिन इससे पहले कि मेरिनर 10 बुध पर जाए, उससे पहले अपने दो ऑनबोर्ड कैमरों का परीक्षण और जांच करना था। और जब अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ रहे थे, तब इस लॉन्च के कुछ समय बाद ही कुछ अविश्वसनीय चित्र ले लिए गए। इमेजिंग टीम को यह सुनिश्चित करने का मौका दिया गया और कई सौ तस्वीरें खींची गई ताकि यह पता लगाया जाए कि कैमरे मुख्य मिशन की तैयारी में सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। कई तस्वीरों का उपयोग हाई रेजोल्यूशन कैमरे के मोजाइक बनाने के लिए किया गया, जैसे कि ये काले और सफेद मोजाइक जो सही तरह से पृथ्वी के बादलों के महासागरों और वक्रता को दिखाता है। मेरिनर 10 अंतरिक्ष यान द्वारा पहली बार पृथ्वी और चंद्रमा की 1.6 मिलियन दूरी की छवि की तस्वीर को भी ले लिया गया ताकि ये पता लगता रहे कि विस्तृत डिजिटल रंग छवि डेटा को वापस करने में सक्षम है। इन छवियों को दो वस्तुओं के सापेक्ष आकार को चित्रित करने के लिए इकट्ठा किया गया, लेकिन यह हमें पृथ्वी का एक अनूठा दृश्य भी प्रदान करता है जिससे यह लगभग केवल पानी से बने ग्रह के रूप में दिखाई देता है। लगभग 24,000 मील प्रति घंटे की गति से मेरिनर 10 ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष के अंधेरे में गायब होने के लिए उड़ान शुरू की और फरवरी 1974 में अपने लॉन्च के 3 महीने के अंदर यह अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह पर पहुंच गया और उन्होंने एक ऐसा मोजेक तैयार किया जो 78 तस्वीरों से बना था और जो नारंगी और यूवी फिल्टर के माध्यम से खींचा गया था। इन फिल्टर का उपयोग करके हम शुक्र ग्रह को एक नेचुरल रंग में देख सकते हैं। शुक्र घने वातावरण में डूबा हुआ एक ग्रह, जिसके कारण हम इस ग्रह पर बादलों की कुछ रहस्यमयी विशेषताओं को देख सकते हैं। आमतौर पर ग्रहों को एक धुंधली पीली गेंद के रूप में देखा जाता है जिससे वहां की दुनिया हमें सुविधाहीन दिखती है, लेकिन मेरिनर 10 ने एक पराबैंगनी फिल्टर का उपयोग करके शुक्र को इस तरह से दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था, जिस पर बिना देखे विश्वास नहीं किया जा सकता था।
जैसा कि मानव आंख से देखती है। बादलों की छवि को वातावरण से बाहर लाने के लिए रंग को बढ़ाया गया जो यह सक्रिय वातावरण को उजागर करता है। मैरिनर 10 ने इस उड़ान के दौरान शुक्र की हजारों तस्वीरों को खींचा और तस्वीरों को मोजाइक में इकट्ठा किया, जिससे शुक्र का वायुमंडल में समय के साथ रोटेशन हमें पता चलता है। और यह वीडियो हमें उन काले बादलों को दिखाता है जो निरंतर एक संभावित गति के साथ दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में व्याप्त है। मैरिनर 10 अब गुरुत्व की सहायता को प्राप्त करके अब सौर प्रणाली के अंतरतम ग्रहों की ओर बढ़ रहा था। अब हम एक ऐसी दुनिया की ओर आगे बढ़ रहे थे जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, एक ऐसी दुनिया जिसे उस समय किसी भी अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा नहीं गया था। यहाँ के तापमान को हमेशा एक दूरबीन के माध्यम से निरीक्षण करना मुश्किल रहा है, क्योंकि सूर्य के करीब होने के कारण ये हमारे तारे सूर्य चमक में खो जाते हैं। लेकिन मार्च 1974 में अपनी इस उड़ान के लगभग 7 सप्ताह बाद मैरिनर 10 अंत में बुध ग्रह पर आ गया। वहां पहुंचकर ठीक 6 घंटे में इस मोजेक ने हमें वहां के तापमान को दिखाया और जो हमें एक ऐसा ग्रह दिखा रहा था जहां पर चंद्रमा की तरह बंजर घाटियों, गड्ढे, पुलों और विमानों का घेराव था। बुध ग्रह के अंधेरे पक्षों से गुजरने के बाद मैरिनर 10 ने हमें कुछ वहां के वातावरण को उजागर करने वाले आउटबाउंड दृश्य दिखाया। अंतरिक्षयान मैरिनर 10 प्रक्षेपवक्र के कारण सूर्य के चारों ओर घूम रहा था और उसने बुध पर अपनी परिक्रमा की। मैरिनर 10 को इस स्ट्रेस दुनिया में दूसरी और तीसरी बार उड़ान करने का मौका मिला। सितंबर 1974 में दूसरी उड़ान हुई और मार्च 1975 में तीसरी, और इस उड़ान के द्वारा काफी नजदीक से फोटो को खींचा गया जिसमें हम कुछ अविश्वसनीय छवि को भी देख रहे थे, जिसमें वहां हमें बड़े पैमाने पर बहता हुआ लावा खड्डे मिले और एक प्राचीन बमबारी के दौरान वहां हमें उथले रेडियल की लकीरें और खड्डे दिखाई दिए। कुछ जगह पर तो छोटे छोटे खड्डे भी दिखाई दिए जो कि बुध के इतिहास की एक स्पष्ट तस्वीर को उजागर करता है। कैलोरिस बेसिन बुध की सबसे शानदार सतह में से एक थी, जहां पर एक विशाल गड्ढा 960 मील व्यास के लगभग था और जो चारों ओर से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ था। मैरिनर 10 के क्लोजअप तस्वीरों से यह भी पता चला इस ग्रह की सतह घुमावदार लकीरों से ढकी हुई है जिन्हें स्कार्प कहा जाता है और जो 2 मील तक ऊंची और 300 मील लंबी है, और जो ये भी दर्शाता है कि ये 3.9 अरब साल पहले हुई भारी बमबारी के बाद गठित हुई है। मार्च 1975 में जल्द ही मैरिनर 10 ने तीसरी और अंतिम उड़ान की, जिसमें अंतरिक्षयान ने ईंधन आपूर्ति के अंतिम हिस्से को समाप्त कर दिया और नासा की टीम ने इस ट्रांसमीटर को बंद कर दिया। अपनी यात्रा के दौरान मैरिनर 10 ने पृथ्वी, चंद्रमा, शुक्र और बुध की 7000 से अधिक तस्वीरों को क्लिक किया जो भविष्य में ये प्रदर्शन करेगी कि किस तरह उड़ान के मिशन को पूरा किया जाए। इस उड़ान से हमें बुध के चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडल का कमजोर होना जैसी अद्भुत खोजें हमें देखने को मिली। आज मैरिनर 10 अभी भी संभवतः सूर्य की परिक्रमा कर रहा है लेकिन फिर भी पृथ्वी के साथ संवाद करने में असमर्थ है, लेकिन फिर भी इस अंतरिक्ष यान की उड़ान को हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा सफर आपको? अगर ये वीडियो रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ऐसे ही वीडियो और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला घंटा दबा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।